हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज जो है रोस्टर जारी हो चुका है, और अभी भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल में क्यों नहीं आ रहा। तो देखो, थोड़ा सा समय लगता है, कई बार जो है पहले ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जब बिहार के राज्यपाल सर ने बोला कि 86,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, तो ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी उसकी जो भर्तियां हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, बट ऐसा नहीं है। इस बार तो आपको 1,02,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, बट कैटेगरी वाइज जो है बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जस्ट अभी मैंने वैकेंसीज, जिसको जिसने नहीं देखा है, तो बीपीएससी टीआरई 3 की अगर आप वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और उस वहाँ पर आपको मैंने कल जो क्लासेज हुई थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो कल वैकेंसीज रिलीज हुई है, सारा पीडीएफ मैंने वहाँ पर शेयर किया है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, अभी हम बात करने वाले हैं कि कितना अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम की डेट क्या बढ़ सकती है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, और अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैंने 3 क्लास ली थी, तो उन तीनों क्लास की पीडीएफ मैंने एक में ही मर्ज कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि उनको पहले की पीडीएफ नहीं मिल रही है, दूसरा नहीं। तो अभी जस्ट मैंने जो है पीडीएफ शेयर किया हुआ है, जिसमें 1 से लेकर पूरे 200 क्वेश्चन, साथ में इंपॉर्टेंट कांग्रेस के द्वारा जो कथन दिए गए थे वो भी मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब समय बहुत कम है, तो आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज जो है हम लोग साइंस करने वाले हैं, आपको पता है कि जीएस का ही हिस्सा है साइंस, और साइंस से भी क्वेश्चंस कम से कम 12 से 16 पूछे जाते हैं, तो ये नंबर 12 नंबर 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितना मैंने कराया है, अगर आपने उसको उतने ही डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वहीं से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम 2000 क्वेश्चन, हमारे मन में रहता है कि 2000 क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़िए, समझिए कि आखिर में इसमें क्या क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, खुद का असेसमेंट जरूर करें, कहीं से भी पढ़ रहे हो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, जो भी बीपीएससी ने कराया है। अगर आपके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक पे अभी लाइफ टाइम का ऑफर चल रहा है, मतलब एक बार आपने खरीद लिया तो आपको 10 20 30 साल कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल चल रहा है, आज इसकी लास्ट डेट है, तो मैंने सोचा बता दूं। तो देखिए, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो आपको मिलने जा रहा है, वो भी 19 से 22 फरवरी के बीच में। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, अगर इस बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में और लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपका मन हो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक मन हो तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइफ टाइम 483 में। मतलब एक बार आपने खरीद लिया फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास प्रो पे आपके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट है, 12% है, बट याद रखना GKC कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको पास प्रो पे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है BPSC, CTET, KVS, DSSB, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेना है, और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी मिल रही है आपको ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो और लाइफ टाइम, दोनों में से जो भी आपका मन हो आप ले सकते हो, चेकआउट जरूर करें। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज बोलना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 3 की 1,02,000 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। कैसे, वो देखिए, पीआरटी में आपको पता है कि 28,000 समथिंग है, सबसे ज्यादा तो 11 से 12 में है 30,000, उसके बाद से 9 से 10 में 23,000 के आसपास है, 23,000 समथिंग है, और आपका 6 to 8 में 19,300 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि संख्या कम नहीं है। कहां पीआरटी में पिछली बार 9,000 वैकेंसीज देखने को मिली थी और इस बार आपको जो है 28,000। हाँ, ये है कि 11 से 12 में तो ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा, तो 6 to 8 में थोड़ा सा कम है कि 19,000 के आसपास ही है, क्योंकि कंपटीशन 6 to 8 में ज्यादा होता है, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं। 9 से 10 में चलो ठीक है कि जो 23,000 है, बट वहां पर केवल एस्टेट वाला ही जा सकता है, सीटेट वाला वहां कंपटीशन कर ही नहीं सकता है, तो 1 to 5 में आपका ज्यादा है और 11 से 12 में। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 1,00,000 के आसपास जो है 1,00,000 से प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अच्छा, इस बार कंपटीशन कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बता दूं, तो देखिए अभी तक फॉर्म ज़्यादा भरे ही नहीं गए हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप सोचो नए वाले को तो मौका ही नहीं मिला। हाँ, अगर अपीयरिंग वालों को मौका मिलता, डीएलएड बीएड, तो शायद संख्या ज़्यादा हो जाती एस्टेट वालों को। अब इसमें क्या है कि जो लोग 1-2 नंबर से बाहर हो गए थे, जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कुछ सीटेट भी ज़्यादा पास नहीं हुए। आप ये देखिए ना, पेपर 2 में केवल 1,00,000 ही सीटेट पास हुए हैं, और आपका पेपर 1 में भी, उसमें से भी किसी की जो है बीएड और डीएलएड की डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो संख्या ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं अभी तक। सोचिए, केवल 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से पेमेंट किया ही नहीं है किसी, बहुत कम लोगों ने किया है, मतलब कि 1,20,000 या 30,000 के आसपास केवल फॉर्म कंप्लीट हुए हैं। और आज हमारी डेट हो चुकी है 22, आपको पता है कि कल लास्ट डेट है, एक दिन बचा हुआ है, पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो अगर देखा जाए कि फॉर्म कितने कंप्लीट हुए हैं, तो केवल 1.5 लाख।
और भर्ती की संख्या कितनी है, 1,20,000। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने सच में अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार के कंपेयर में इस बार भी आपको पीआरटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगी, ना ही 6 to 8 में, ना ही 9 से 10 में, ना ही 11 से 12 में, क्योंकि नए वाले बच्चों को मौका नहीं मिला है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अच्छे से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। डेली क्लासेस जरूर देखें। देखो, मैं आपका समय बचाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को कम समय में कराने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मैं 200 क्वेश्चंस के लिए 8 घंटे की वीडियो लेकर आऊँ, नहीं, मैंने 200 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको पता ही है। जैसे हम लोग 40 से 45 मिनट की ही क्लास करते हैं, जिसमें हम डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि फॉर्म की संख्या कितनी है, कितने स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करेंगे, कितना कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एक जो हमारे मन में प्रेशर रहता है ना कि यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उस चक्कर में हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। अगर होता तो अभी तक कम से कम 3 से 4 लाख तो फॉर्म भरे ही जाने चाहिए थे। तो केवल 1.5 लाख ही कंप्लीट हुआ है पेमेंट के साथ। तो फॉर्म भरने की डेट अगर बढ़ेगी भी तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट का। तो देखो, अटेम्प्ट आपके 5 मौके जरूर हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है क्योंकि इस पे साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन हो जाएगा वो आ जाएगा। तो इस डर से मत सोचना कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा भी नंबर आता है ना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि जहां पे 1,20,000 वैकेंसीज हैं और 1.5 लाख ही पेमेंट हुआ है, तो आप समझ सकते हो, मान लो ये बढ़ के संख्या 2 लाख हो जाती है तो भी 1 लाख वैकेंसी की संख्या भी तो ज़्यादा है, तो 2 ही लाख तो बच्चे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो इसमें इस बार हो सकता है कंफर्म। तो प्लीज़ इसलिए फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि अटेम्प्ट जो आप लोग पूछते हैं कि ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया है, ऑफिशियली आएगा तभी आप भरेंगे क्या? क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर हो ही चुकी है। नियोजित शिक्षकों को 5 अटेम्प्ट मिल रहा है, आपको भी 5 अटेम्प्ट, केवल उस पर सिग्नेचर होना बाकी है, इसलिए चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, फॉर्म की डेट भी बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिशन भी ठीक ठाक है, तैयारी भी आपकी अच्छी खासी हो रही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एग्ज़ाम का डेट का क्या? क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो बहुत पास में है। आज हमारा 22 हो गया और फरवरी में दिनी कितने होते हैं, मान लो 7 से 17 मार्च जो बीपीएससी ने जो डेट पहले ही अनाउंस की है, उस बीच में अगर पेपर होता है तो क्या होगा? तो देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे जैसे हमें पता चलता है कि समय कम है, हमारी पढ़ाई की स्पीड भी ज्यादा हो जाती है, और एग्जाम की डेट बढ़े ना बढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी तैयारी ये मान के करना है कि 7 मार्च से पेपर हो जाएगा। वैसे कुछ जैसे कि अभी मैं ट्विटर वगैरह चेक कर रही थी, तो उस वहां पर सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस होगा, प्रथम चरण का अगर इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है बिहार से ही, तो मे बी डेट आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, बट वो भी ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन, क्योंकि ये पेपर 9, 15, 16 ये एक डेट आई थी, ये डेट आपका आगे भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बट पेपर आपका हर हाल में मार्च में ही होना है। ऐसा नहीं कि 2 महीने तक के लिए आपका एक्सटेंड हो जाए कि आपके पास तैयारी करने का समय हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। चुनाव की वजह से इफेक्ट हो सकता है, चेयरमैन सर ने खुद बोला था कि भाई ये टेंटेटिव डेट है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हेर बदल हम कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, डेली 5 बजे जरूर जुड़ें। और आज हमारी साइंस की क्लास है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिक्स होने वाला है। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 आप सभी को काम आएगा, क्योंकि जीएस आपका अगर किसी को 40 नंबर का पूछा जा रहा है, किसी का 120 नंबर का, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आएगा, उसमें साइंस भी आएगी, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो क्लास जरूर देखें, और फ्री में पूरा कंटेंट मिल रहा है, फ्री में पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ का कुछ पैसे ले रही हूं। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए है, और 5 बजे मिलते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।